पर आज के इस वीडियो में कुछ ड्रीम लोन का स्पेशल टिप्स आपके लिए लाए हैं। और यहाँ से देखोगे ना, जो प्राइम टिप्स, कहने का मतलब कि जो थोड़े बहुत लोग हवा बना के रखे हैं सारी चीज़ें, तो देखो यार कि हार जीत जो है ना, एक सिक्के का दो पहलू है। कहने का मतलब कि एक मैच का दो पहलू है, एक सेशन का दो पहलू है। आप हारोगे आप जीतोगे, आप जीतोगे आप हारोगे, दो चीज़ें ही हो सकती हैं, या कुछ केसेस में आपका पैसा रिफंड होगा, नहीं तो ये तीन केसेस क्रिएट होगी। अगर आप मैच लगाते हो, प्रेडिक्शन करते हो ड्रीम इलेवन पे, कहीं भी प्रेडिक्शन करते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप ड्रीम इलेवन पे खेलते हो, कहीं भी खेलते हो, आप टीम बनाते हो, तीन चीज़ें होगी, आप जीतोगे या आप हारोगे या आपका पैसा रिफंड हो जाएगा किसी कारण की वजह से अगर मैच रद्द होती है, ठीक है। तो ये तीन सिचुएशन ही क्रिएट होती है, बहुत बड़ी चीज़ें कुछ नहीं होने वाली, ठीक है। तो इसी में से तीन सिचुएशन क्रिएट होती है, सबको जीतना है भाई, सबको A to Z सबको जीतना है, ठीक है। सारे लोग जीतना पसंद करते हैं, यहाँ से हारना कोई भी पसंद नहीं करता। और यहाँ से रिफंड का बात करें तो चलो यार, कभी कभी क्लैश वगैरह हो जाता है टीम, तो फिर रिफंड मिलती है, नहीं तो मैच वगैरह रद्द। चलो यार, कम से कम पैसा तो आया, क्लैश हो गया, उसमें भी जो प्लेटफॉर्म चार्ज है वो कट जाती है। लॉस तो चाहता ही नहीं है कोई कि मेरा लॉस हो, सारे लोग प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं। देखो इसमें एक चीज़ होगी, मैं नेगलेक्ट करूँगा रिफंड को, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ रिफंड की वजह से तो आप गेम नहीं खेल रहे हो ना, नहीं खेल रहे हो रिफंड की वजह से। किसके वजह से खेल रहे हो? आप जीतने की वजह से खेल रहे हो। देखो प्राइम टिप्स है, ध्यान से सुनना, तुम्हारा भाई तुमको व्हाट्सएप स्टोरी के थ्रू से कुछ चीज़ें पहुंचाएगी। 99 34 23 11 58 हमारा नंबर है, व्हाट्सएप कर देना, सेव कर ली जाएगी व्हाट्सएप स्टोरी के थ्रू से। ब्रॉडकास्ट भाई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ब्रॉडकास्ट के थ्रू से इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में आप लोग के थ्रू से। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर भी अपडेट आने वाली है, हालांकि कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाएगी आपको, टिप्स वगैरह दी जाएगी। देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी रुपए आपसे नहीं ली जाती, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मिलती है मेरे नाम पे, कोई भी एक रुपए भी मांगे तो आपको नहीं देना है। इस नंबर पे आना, इस नंबर से आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, कुछ टिप्स वगैरह भी स्टोरी के थ्रू से मिलती रहेगी। ब्रॉडकास्ट में देखो यार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, ब्रॉडकास्ट बना रहे हैं, लोगों को ऐड कर रहे हैं, उन तक मैसेज नहीं पहुँच रही है। बहुत जल्द हमारा एप्लीकेशन आने वाला है, जब एप्लीकेशन आ जाएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी मेरे भाई, सीधा सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। मैच से पहले प्रेडिक्शन, एनालिसिस, रिपोर्ट्स, हर एक चीज़ मिलने वाली है एप्लीकेशन के ऊपर, बट थोड़ा वेट करो, वेट नहीं करोगे तो फिर तो दिक्कत है, सारी चीज़ें एक दिन में पॉसिबल नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जीत के लिए सारे लोग खेल रहे हैं। अब जीतने वालों की जो है यहाँ से संख्या कितनी है? 10%, 10% भाई, 10% से भी भाई यहाँ से कम है, 5 से 10% के बीच में। और यहाँ से जो है 90% लोग जो है भाई यहाँ से हार रहे हैं, बीच के हैं कुछ इन्हीं में से जो हार रहे हैं, इनमें से ही कुछ 30 से 40% लोग ऐसे भी हैं जो हार रहे हैं जीत रहे हैं, ठीक है, बट 5 से 10% लोग ही हैं जो पैसे बना के जा रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल पैसे जो होते हैं मनी बना के जा रहे हैं, निकल रहे हैं इधर से। अब समझो कि आप किस सेक्शन में कहाँ हो, मुझे लग रहा है कि आप ये वीडियो देख रहे हो इसी सेक्शन में आप आते हो 90% केसेस में, या तो आप बिल्कुल हार रहे हो, या नहीं तो जीत रहे हो या फिर हार रहे हो, ये दोनों चीज़ें हो रही है आपके साथ। पहला, या बिल्कुल आप हारे जा रहे हो, या आप जीत भी रहे हो फिर उस पैसे को हार जा रहे हो। देखो रेगुलरली हारे जा रहे हो तो एकदम से छोड़ दो खेलना, मैं रिकमेंड नहीं करता आपको कि एकदम से हारे जा रहे हो, जीत ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, कभी कभी जीत रहे हो रेयरली केसेस में, तो फिर मैं रिकमेंड नहीं करता। आप देखो इस वीडियो में मैं आपको तोड़ तोड़ के टीम बनाना नहीं सिखाऊंगा, कुछ की पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट्स रोल प्ले करेगी आपको ड्रीम इलेवन खेलने में, एक अच्छी टीम बनाने में, तो ध्यान से सुनना। मैं टीम बनाने नहीं सिखाने वाला हूँ आपको, मैं खेलने का तरीका बताने वाला हूँ कि किस तरीके से खेल के आप अच्छा कर सकते हो। वीडियो ध्यान से देखना, लंबी होगी, लास्ट तक देखना, स्किप करोगे ना भाई कहीं का नहीं रहोगे, ठीक है, स्किप नहीं करना। और वीडियो पसंद आ जा रहा है तो एक लाइक करना, मुझे पता है आप लाइक कर देते हो, अच्छा लगता है मुझे, और एक प्यारा सा कमेंट भी करना, ठीक है।
और नीचे उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, कुबेरा फैंटेसी का मैंने लिंक दिया है, जीतना बहुत ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 स्टेप में पैसे जीते जाते हैं। एक खिलाड़ी को उठाने हैं, कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने, पैसे विन करने हैं। ये विन लॉस भी हो सकती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा लोचा नहीं है, टीम वगैरह नहीं बनाने हैं, ठीक है? सिर्फ एक खिलाड़ी को उठाने हैं, इसीलिए कुबेरा फैंटेसी आपको थोड़ी अलग चीज़ें सिखाती है और बताती है, ठीक है? तो 5 से 10% लोग तो जीत रहे हैं भाई, चलो मौज है उनकी, हम तो नहीं जीत रहे हैं, हमें तो भाई 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो दो पहलू, जैसा कि मैंने आपको बताया, हार जीत लगी रहेगी मेरे भाई। देखो, जो 10% के लोग आते हैं ना, ये जो 5 से 10%, मैं इधर से फिर से बता रहा हूँ, जो 5 से 10% के बीच में लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जीत रहे हैं, वो भी हार रहे हैं। बट सिचुएशन क्या है, उनकी जीतने की जो रेशियो है वो हाई है और लॉस की रेशियो जो है वो कम है। ऐसा मतलब कि अमृत पानी पी के नहीं आए हैं, जो 5 से 10% के बीच में लोग हैं जो जीत रहे हैं, वो अमृत पानी पी के नहीं आ रहे हैं, ठीक है? वो भी हार रहे हैं, बट हारने की रेशियो क्या है, कम है, जीतने की रेशियो ज़्यादा है। इसी के ऊपर काम करना है, ना ही आपको जीतने के ऊपर काम करने, ना ही हारने के ऊपर काम करना है, किसी के ऊपर काम नहीं करना है, बट आपको अपना प्रॉफिट बनाए रखने के लिए जीतने की रेशियो वो बढ़ाने हैं। 10 मैच खेलते हो यार, मैं बताता हूँ, 10 मैच खेलते हो, ठीक है? उसमें से अगर आप 7 मैच निकाल लेते हो, ठीक है, 3 मैच हार जाते हो, तो फिर आप डायरेक्टली पहुंच जाते हो ये 5 से 10% के लोगों के बीच में, फिर यहाँ से आपकी प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाएगी। मैं भी अगला 10 सेक्शन में रिजल्ट कुछ अलग रहे हैं, ठीक है? हमेशा से आप ध्यान रखो कि 50% से ऊपर रहे हमारी जीतने की रेशियो, तो फिर काम करोगे सही से, ठीक है? अब भाई ये कैसे रहेगी, सही रहेगी, किस तरीके से करने हैं, रेशियो कैसे बढ़ाने हैं, ठीक है? आपने तो बोल दिया कुछ नहीं करो, जीतने की रेशियो बढ़ा लो, तो ये भी एकदम से नहीं होगी, मेरे बताने के बाद भी नहीं होगी, इसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है? 3 चीज़ें आएगी आपके साथ, ठीक है ना? 3 4 चीज़ें आएगी। पहले तो आप जो है एक फ्रेशर होगे, ठीक है ना? आप मीडियम के होगे, ठीक है ना? आप जो है यहाँ से एक एक्सपर्ट होगे, ठीक है? 3 चीज़ें ही आएगी कि फ्रेशर हो, मीडियम हो, आप एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट, अगर आप एक्सपर्ट हो फिर भी हार रहे हो, तो फिर भी आपको ड्रीम इलेवन नहीं खेलना है, फिर कोई आपको जितवा नहीं सकता, आप हार ही जाओगे, ठीक है? बात आएगी मीडियम और फ्रेशर के ऊपर। फ्रेशर को उतना ज़्यादा पता नहीं रहता है, आप जो है यहाँ से प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा खेलो, जो प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट है इनका, उसमें पैसे नहीं लगते हैं आपके, खेलो 2 4 महीना, टाइम दो खुद से, एकदम से बनाओ इजीली, समझो थोड़ा पोटेंशियल कहाँ से आ रही है, किस तरीके से प्लेयर बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें होती है। फ्रेशर के लिए, जो मीडियम वाले हैं वो लॉस कर रहे हैं अगर, ठीक है, तो उनके लिए है सारी चीज़ें कि आपको विनिंग रेशियो किस तरीके से बढ़ाने हैं। एक्सपर्ट हो, हार रहे हो तो भाई चले ही जाओ, अगर एक्सपर्ट हो आप जीत रहे हो तो सही है सारी चीज़ें, मुझे पता है सारी चीज़ें सही है। सारी चीज़ें अटक जाती है मीडियम वालों के लिए, जो कुछ दिन हुआ है उनको सारी चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें पता है, बट जो एक हाई लेवल की चीज़ें वो सारी चीज़ें नहीं पता है, ठीक है? देखो, इस वीडियो के लिए मैं कुछ स्क्रिप्ट लेकर नहीं बैठा हूँ, कुछ मैंने तैयारी नहीं कर रहे हैं कि मुझे ये सारी चीज़ें बतानी है या कुछ, जो मैं जानता हूँ, जो दिल में है वही मैं बताऊँगा सारी चीज़ें, ठीक है ना? तो ये कहने का मतलब कि एक्सपीरियंस है सारी चीज़ें, बहुत बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं आप लोगों के साथ इस फील्ड में, अच्छा खासा चीज़ें मैं बताने का जो है कैपेसिटी रखता हूँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मीडियम लोगों के लिए तो 3 चीज़ें होगी भाई आपके लिए। पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और पैसा के ऊपर मनी इक्वल टू मनी, मतलब कि पैसा को मैनेज किस तरीके से करना है, ये भी सारी चीज़ें आपके ऊपर है। एक जो है, जो मीडियम लोगों के बीच में आएगी ना, दो दो चीज़ें होगी, अगर ये जीतेंगे ना तो फिर उसके डबल 2 इंटू अगले मैच में लगाने का कोशिश करेंगे। ये भाई मतलब कि कहने का मतलब कि मेजर मिस्टेक है, माइनर नहीं है, मेजर मिस्टेक है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है? और हार रहे हैं तो हार के फ्रस्ट्रेट होके 2 इंटू पैसा लगा रहे हैं अगले मैच में। देखो, दोनों तरफ से आपका ही लॉस है। कैसे लॉस है मैं बता रहा हूँ,
कि अगर आप मीडियम फील्ड में आते हो, कहने का मतलब कि आपने जीता, ठीक है, सेकंड मैच में आपने 2-2 लगा दिए, ठीक है, उससे क्या है कि लालच बनी, वो चीज़ें आप हार गए, जीत गए तो सही है, फिर 4-2 लगा दोगे, मुझे पता है, प्रेशर के साथ, खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, पैसे को मैनेज करना आपको नहीं पता है, लॉस होगी, ठीक है ना, लॉस होगी, फिर भी 2-2 आप जो है पैसा इन्वेस्ट करोगे नेक्स्ट मैच में, क्योंकि आपकी पैसा लॉस हुई है, कहाँ आएगी बात रिकवर के ऊपर, कि हाँ चीज़ें रिकवर करनी चाहिए, 2-2 लगाओगे, जीत गए तो सही है, फिर से जाओगे, लालच बनेगी, सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए, फिर हार जाओगे, फिर जो सिचुएशन आएगा लॉस कहीं आएगा। तो मीडियम लोगों के बीच में यही दो चीज़ जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जीत रहे हैं वो भी ठीक है, हार रहे हैं वो भी ठीक है, दोनों में भाई जीत रहे हैं फिर भी लॉस हो रहा है, हार रहे हैं फिर भी लॉस हो रहा है, प्रॉफिट कहीं बन नहीं रहा है, समझ रहे हो। तो ये जो एक रेशियो मैंने बताया था यहाँ पे कि 5 मैचेस खेल रहे हो आप, ठीक है, मैंने यह बताया था, 10 मैचेस खेल रहे हो, 7 मैचेस जीत रहे हो, 3 मैचेस हार रहे हो, तो फिर सारी चीज़ें ठीक है। एक कहने का मतलब कि जो मैनेजमेंट मैंने नाम दिया यहाँ पे कि मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए, देखो यार आपके पास 100 रुपये होंगे, ठीक है ना, आपके पास 500 होंगे, आपके पास 1,000 होंगे, ठीक है, 10,000 होंगे, 1,00,000 होंगे, कितना भी आपके पास जो है अमाउंट हो सकता है, ये आपकी बजट के ऊपर डिपेंड करती है, कितना पैसा है आपके पास, ठीक है ना, सब सही है यार, 2 रुपये हैं, सॉरी भाई 10 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, क्योंकि मिनिमम 10 रुपये लगा सकते हो, 100 रुपये हैं, 500 रुपये हैं, 1,000 रुपये हैं, कितने भी हैं, अब एक चीज़ है आप डिसाइड कर लो, आपको ग्रैंड लीग खेलनी है, आपको स्मॉल लीग खेलनी है, आपको जो है हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलने हैं, या यहाँ से 3 मेंबर वाला भी मैं कर लेता हूँ, ठीक है, 3 चीज़ें आप डिसाइड कर लो आपको क्या करनी है। ग्रैंड लीग खेल रहे हो, खेलते रहो, टुक्का मारते रहो, जब भी लक साथ दिया तो फिर आप जीतोगे पैसा, कोई भी एनालिसिस, कोई भी रिकॉर्ड्स काम नहीं करने वाली है ग्रैंड लीग के लिए। हाँ छोटी छोटी माइनर पॉइंट हैं, माइनर एकदम छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देना पड़ता है, उसको छोड़ो, अगले वीडियो में कवर करेंगे कि कैसे ग्रैंड लीग पे आपको छोटी छोटी चीज़ें पे ध्यान रखनी है, ठीक है, स्मॉल लीग खेलते हो तो भी सही है, मैं तो बोलूँगा कि ना ही खेलो, शिफ्ट हो जाओ हेड टू हेड या 3B पे, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलो या 3 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट खेलो, सबसे अच्छा रहेगा कि आप 3 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट खेल लो, ठीक है, क्योंकि हेड टू हेड में भी थोड़ी रिस्क हो जाती है। हाँ वैसे मैचेस आ रहे हैं जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, यहाँ से जो है आपको पोटेंशियल बहुत डाउन दिख रहे हैं, वैसे मैचेस में हेड टू हेड एज ए इंटरटेनमेंट आप ज्वाइन कर लो, कॉन्टेस्ट वगैरह स्किप करना, चीज़ों स्किप करना सीखो मैचेस को, जब तक ये सारी चीज़ें नहीं सीखोगे, देखो तो बहुत सारे मैचेस हो रहे हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, मतलब कि 10, 15 मैचेस हो जा रहे हैं एक दिन पे, खेलने कितने हैं आपको, सब के सब खेलने हैं, अभी T10 मैचेस हो रहे हैं, ढंग के मैच नहीं, वो भी खेलने हैं तुमको भाई, इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, रिकॉर्ड्स वगैरह सही नहीं बैठ रहे हैं, उसको भी खेलने हैं तुमको, क्यों खेलने हैं भाई, 10 मैचेस हो रहे हैं, 10-20 मैचेस हो रहे हैं डेली बेसिक पे, क्यों खेलने हैं मुझे सारे मैचेस, नहीं मुझे नहीं खेलने हैं, मुझे मैचेस के ऊपर काम करके पहले डिसाइड कर लेने हैं कि मुझे कौन से मैचेस खेलने हैं, हो सकता है एक मैचेस का एनालिसिस प्रॉपर तरीके से हो पाए, देखो काम तो करने पड़ेंगे मैच के ऊपर, ऐसे यूं ही पैसे नहीं बनने वाले, ये जो है 10 में से 7 मैच क्रैक तभी कर पाओगे जब खुद के ऊपर कंट्रोल रहेगा, खुद से स्टडी करोगे, कोई टीपर काम नहीं करने वाला है, चीज़ें बताएगा अपने तरीके से सारी चीज़ें समझाएगा, मैं खुद बेसिकली मैं खुद ही भी टीपर हूँ, तो मैं खुद अपने तरीके से बताता हूँ, उसमें आपकी लॉस भी हो सकती है, 100% आप प्रॉफिट बना के नहीं जा सकते हो, समझ रहे हो ना, तो कुछ अपना तरीका भी ट्राई करो, बेशक कि हो सकता है कि आप सबसे अलग हो, आपकी एनालिसिस एकदम, आपके एनालिसिस करने की एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट हो, हमसे ज़्यादा बेहतरीन कर सकते हो आप, कर सकते हो ना, सब में कुछ खूबियाँ कुछ खामियाँ हैं, ठीक है, सब में हैं, तो खुद के अंदर जो है खूबियाँ हैं उसको पहचानो, तो हर एक मैच में देखो मैं तो बोलूँगा कि डेली में 3 मैच से ज़्यादा मत खेलो,
तीन मैचेस भाई इनफ हैं, मैं तो बोलूँगा दो ही खेलो, ठीक है, अगर एकदम से फ्रेशर हो तो, कुछ चले गए हो आगे बढ़ गए हो तो तीन खेलो, नहीं खेलना है ना भाई सारे मैचेस, उसी में बर्बाद हैं लोग। पहला मैच हुआ वो उसमें जीत लिए, दूसरा मैच में भी जीत लिए, तीसरा मैच में हार जाओगे जाके, मैं बता रहा हूँ। तो खुद को टाइम दो, ब्रेन जो है ना आपका सिक्स सेंस का सारा जो है फॉर्मूला काम करता है, कोई भी किसी भी चीज़ में आप एनालिसिस करते हो ना, प्री एनालिसिस, कि हाँ भाई ये होने वाला है हमारे साथ, हाँ भाई इस मैच में ये खिलाड़ी चलने वाला है, हाँ भाई ये होने वाले हैं, हाँ भाई वो होने वाले हैं, इसमें सिक्स सेंस काम करते हैं एक्चुअल में आपका, कि आपका सिक्स सेंस काम करेगा तब जब खुद को टाइम दोगे। भाई ये भी तो भाई मशीन तो नहीं है, दिमाग है आपका, कैसे आप 10-10 मैचेस में एनालिसिस कर लोगे परफेक्ट? दो मैचेस तो काफ़ी है, हालत टाइट हो जाएगी, कौन सा खिलाड़ी किस नंबर पे आ रहा है, रिकॉर्ड्स वगैरह क्या आ रहे हैं, पिच रिपोर्ट्स क्या है, डेथ में बॉलिंग कैसे करा रहा है, मीडियम में बॉलिंग कैसे करा रहा है, फास्ट जो फास्ट बॉलर हैं वो किस सिचुएशन में विकेट ले रहे हैं, स्पिनर जो बॉलर हैं किस सिचुएशन में विकेट ले रहे हैं, जो क्लासिक बैट्समैन है वो चल रहे हैं, जो हिटमैन है वो चल रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स ले ले रहा है, लेग स्पिनर ले रहा है, ये सारी चीज़ें करने में तो ख़त्म पूरा दिन, 24 घंटे ही मिल रहे हैं ना पूरा आपको, ऐसा तो नहीं है आपके पास 48 घंटे हैं, 50 घंटे हैं, नहीं, सबको 24 घंटे ही मिल रहे हैं, उसमें से 10 मैचेस का एनालिसिस नहीं हो सकती, मेरा खुद दो मैच करते करते हालत ख़राब हो जाता है, आप 10 के 10 मैच खेल रहे हो, नहीं एकदम से गांठ बांध लो कि 2 से 3 मैचेस खेलने हैं, मैक्सिमम हो गई 3, मिनिमम 2 मैचेस, कभी देखे हो भाई, महीने 2 महीने 3 महीने से शट डाउन पड़ा हुआ है टेलीग्राम, क्या रीज़न रहा है, ठीक है ना, मैं खुद को सेटल नहीं कर पा रहा हूँ, ये हमारी गलती है, मैं बेशक बहुत सारी चीज़ें आपको बोलूँ, कल से स्टार्ट हो जा रही है, कल परसों से स्टार्ट हो जा रही है सारी चीज़ें, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसमें मेरी गलती कुछ नहीं है, देखो अगर हमसे नहीं हो पा रही है कोई चीज़ तो मैं आपका ही पैसा बर्बाद नहीं करूँगा, तुम्हारे थ्रू से मैं पैसा बनाता हूँ, सब लोग को वो पता है, सब लोग सबके थ्रू से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पैसे बनाते हैं, इसका मतलब नहीं कि मैं तुमको बर्बाद कर दूँ। हाँ भाई समझदार होगे, कहीं और से प्रेडिक्शन लेते होगे, किसी और के टेलीग्राम पे जाते होगे, उससे टीम लेते होगे, बट जो हमारे भाई हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमको जानते हैं, दिल से समझते हैं, उनको सारी चीज़ें पता होगी हमारे बारे में कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ, तुम्हारा नुकसान मतलब हमारा नुकसान, दर्द हमको भी होता है, ठीक है, तो ये है, ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लिए, 3 मैचेस या 2 मैचेस पे लटक गए ना, आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है यहीं पे, और जो मैंने एक मैनेजमेंट बैठाई ना, कि मान लो कि चलो मान लेते कि 10,000 रुपये है आपके पास, ठीक है ना, तो 10,000 30-30% करके इन्वेस्ट कर दो, ठीक है ना, 30% 30% और 30%, ठीक है ना, मैक्सिमम 3 मैच खेलते हो तो, नहीं तो 2 से ही काम चल जाएगा, ये चीज़ें काम करनी है आपके पास 5 टाइम्स है, आपके पास 50 सॉरी 10,000 रुपये है, इक्वल टू आपको जो है 50,000 रुपये होते हैं, ये 50,000 है मैक्सिमम आपके पास, ये 50,000 में ही तय करने हैं, यही डिसाइड कर देगी कि आपको ड्रीम लोन पर रहने हैं या ड्रीम लोन पर नहीं रहने हैं, यही डिसाइड कर देगी, ये सारे के सारे पैसा हार जाते हो, आपको 50 का 50,000 हार जा रहे हो, 5 दिन ट्राई करने हैं, क्योंकि 3 मैचेस है मैंने बोला, ठीक है ना, 3 मैचेस आपको जो है 10,000 पर डे इन्वेस्ट करना है 5 दिन तक, 10,000 में 3 मैचेस खेलने हैं 5 दिन तक, 5वां दिन डिसाइड हो जाएगा आपका कि आपको रहने हैं इस फील्ड में या नहीं रहने, 50 के 50,000 हार गए ना तो फिर यहाँ कुछ ट्राई मत करना, कुछ नहीं रखा है यहाँ पे आपके लिए, कुछ रिजल्ट दिखे या थोड़े बहुत भी इधर उधर हुए कि यू कैन डू, आप कर सकते हो तो फिर रहना, नहीं तो फिर चले जाना, अनइंस्टॉल कर दो सारी चीज़ें, नहीं होने वाली कुछ, सिंपल बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 10,000 पर डे इन्वेस्ट कर रहे हो, कितने 3 मैचेस में, ठीक है, समझ रहे हो, 3 मैचेस में इन्वेस्ट कर रहे हो 5 दिन तक, 50,000 होते हैं, ये पूरा का पूरा हार गया ना तो चले जाना, कोई फायदा नहीं है, जीते तो भाई बैंक में डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम रूल के साथ, सेम पोटेंशियल के साथ, कल लौट के फिर आना है, फिर से खेलना है।
ठीक है ना, पूरा का पूरा लॉस हुआ 50 का 50 हज़ार, समझ जाना गड़बड़ है कुछ ना कुछ आपका। तो जो कि मनी मैनेजमेंट का मैंने चीज़ें बताई, पैसे हैं मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, मैनेजमेंट कर पा रहे हो पैसे नहीं, दोनों चीज़ें लाने पड़ेंगे, दोनों चीज़ होने चाहिए, पैसे मैनेजमेंट दोनों। पैसे नहीं है मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाएगी, मैनेजमेंट नहीं है पैसे नहीं रह पाएगी आपके पास, दो चीज़ें नहीं होगी। तो संभल के रहना मेरे बच्चा, ठीक है, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, सीखते रहो, जीतते रहो लाइफ में, आगे बढ़ते रहो।